हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोमेंट बाइट टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट एन एग्जांपल ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर नंबर 14 इलेवंथ ऑफ एन का रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के जो एन के एग्जांपल है आज हम उनको डिस्कस करेंगे जो एन में एग्जाम्पल दिए हैं वो किस प्रकार के उसमें क्वेश्चन दिए हैं आज हम उन क्वेश्चन को शोल करेंगे याद रखना है स्टूडेंट हमने पहले ही चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर चैप्टर नंबर थर्टीन तक एन के एग्जाम्पल की वीडियो अपलोड कर दिए यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उस वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो बने रहिए आज की वीडियो में आप मेरे साथ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि दी अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ रेस्पायरेशन इन एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछा है कि जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें अल्टीमेट यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है यह आपसे क्वेश्चन पूछा है ऑप्शन है आपके पास साइटोक्रोम ऑप्शन बी है आपके पास ऑक्सीजन ऑप्शन सी है आपके पास हाइड्रोजन एंड ऑप्शन डी है आपके पास ग्लूकोज जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और इसको अंतिम एक्सेप्टर जो होता है वो होता है मोलिकुलर ऑक्सीजन मोलिकुलर ऑक्सीजन होता है और मोलिकुलर ऑक्सीजन यानी कि हाफ ओ टू जो है ये टू एच प्लस से रिएक्शन करके एच टू का निर्माण करती है ऑक्सीजन जो है क्या है कि ये अंतिम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है एरोबिक ऑर्गेनिज्म में तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी ऑक्सीजन नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इज कैटालिस्ड बाय। जब ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस के दौरान फास्फोराइलेशन किया जाता है फास्फोराइलेशन का मीनिंग क्या है कि उसमें फास्फेट ऐड करना पी ओ फोर टू माइनस यानी कि उसमें फास्फेट जो ग्रुप है उसको ऐड करना क्या कहलाता है फास्फोराइलेशन तो ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस के दौरान फास्फोराइलेशन करने पर कौन सा एंजाइम है जो उसको कैटालिस्ट करता है इसका करेक्ट आंसर होगा हेक्जोकाइनेज हेक्जोकाइनेज वह एंजाइम है, हेक्जोकागेस। हेक्जोकागेस है जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज को फास्फोराइलेशन करता है इसमें क्या होता है ग्लूकोज जो है इसमें ग्लूकोज इस एंजाइम की प्रेजेंट में जो हैगज़ोकाइनिस एंजाइम है इसकी प्रेजेंट में ग्लूकोज ग्लूकोज सिक्स फॉसफेट में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में क्या होता है कन्वर्ट होता है और इसमें है ए की आवश्यकता होती है ए की आवश्यकता होती है और प्लस में इसमें बनता है ए और हेक्सोकाइनेस एंजाइम के लिए मैग्नीशियम आयन जो मैग्नीशियम आयन जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है तो क्वेश्चन नंबर टू जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हैगजोकाइनिस हैगजोकाइनस एंजाइम है जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज को फास्फोराइलेशन में क्या करता है कैटालिस्ट करता है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री क्या पूछा कि पायरूबिक एसिड द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कैन हैव मैनी मेटाबोलिक फैट्स अंडर एरोबिक कंडीशन इट फॉर्म क्वेश्चन नंबर थ्री क्या पूछा है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है उसका की प्रोडक्ट क्या होता है पायरूबिक एसिड क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में हमने टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरूबिक एसिड प्राप्त होते हैं और तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि पायरूबिक एसिड जो है यदि ये एरोबिक कंडीशन प्राप्त करे एरोबिक कंडीशन के प्राप्त करे तो यह किसका निर्माण करता है यह आपसे क्वेश्चन पूछा है यदि पायरुबिक एसिड जो है यह एरोबिक कंडीशन प्राप्त करे यानी एरोबिक कंडीशन में यह निर्माण करता है एसिटाइल एसिटाइल को एंजाइम एसिटाइल को एंजाइम प्लस सीओ टू का निर्माण करता है पायरुबिक एसिड एरोबिक कंडीशन में निर्माण करता है एसिटाइल को एंजाइम प्लस सी ओ टू का निर्माण करता है और इसमें जो एंजाइम जो होता है हेल्प करता है इसमें वो होता है पायरुवेट पायरुवेट डी हाइड्रोजिनेस ये एंजाइम इसमें हेल्प करता है पायरूबिक एसिड को एसिटाइल को एंजाइम एनसीओ टू में कन्वर्ट करने के लिए और ये क्या कब होता है ओनली एरोबिक कंडीशन में होता है और इसमें कौन सा एंजाइम कार्य करता है पायरुवेट डी और इसके साथ साथ मैग्नीशियम आयन भी इसमें क्या करता है हेल्प करता है तो क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी एसिटाइल को एंजाइम प्लस सी ओ टू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर क्या दिया है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम यानी ई टी एस इज लोकेटेड इन माइट्रोकोंड्रिया यानी कि माइट्रोकोंड्रिया में जो ई टी एस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम कहाँ पर प्रेजेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम माइट्रोकोंड्रिया में होता है इनर मेम्ब्रेन पर जो माइट्रोकोंड्रिया की आंतरिक झिल्ली जो होती है वहाँ पर वहाँ पर ई टी एस होता है तो क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी इनर मेम्ब्रेन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव क्या दिया है कि बिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स द हाइएस्ट रेट ऑफ प्रेस्पायरेसन क्वेश्चन नंबर फाइव क्या पूछा है निम्न में से किस में हाइएस्ट रेट ऑफ प्रेस्पाइरेशन है आपके पास ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं याद रखना स्टूडेंट जो रेस्पायरेसन रेट जो होती है ये डिफरेंट टिशू और डिफरेंट ऑर्गन में डिफरेंट टिशू एंड डिफरेंट ऑर्गन में डिफरेंट होती है लेकिन रेट ऑफ रेसर उनमें हाई होती है जिसमें मेटाबॉलिक जिसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती हैं हाई होती है वहाँ पर रेट ऑफ रेस्पायरेसन भी हाई होती है तो जो क्वेश्चन नंबर फाइव है इसका करेक्ट आंसर होगा बी क्योंकि जर्मिनेटिंग सीड जब सीड जर्मिनेट होता है तो वहाँ पर इसको मोर एनर्जी की आवश्यकता होती है तो मोर मोर माइप्रोकॉन्ट प्रेजेंट होता है और वहाँ पर मोर रेड ऑफ रेस्पारेशन होता है तो क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर क्या होगा जर्मिनेटिंग सीड इसके अलावा ग्रोइंग रूट शूट एपिक्स इसमें भी रेट ऑफ रेस्पायरेशन हाई होता है रूट टिप में भी और लीफ बर्ड जो है इनमें भी रेट ऑफ रेस्पायरेशन होता है लेकिन इन तीनों के कंपेरिजन में बी जो है इसमें रेट ऑफ रेस्पायरेशन हाई होता है तो क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर क्या होगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है कि माइट्रोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल कि माइट्रोकोंडिया तो को हम पावर पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं बिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट दिस स्टेटमेंट जो ये स्टेटमेंट दे वाही कि हम माइट्रोकोंडिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट है जो इस स्टेटमेंट को क्या करता है सपोर्ट करता है आपके पास ऑप्शन है माइटोकोंडिया सिंथेसाइज ए टीबी ऑप्शन बी है आपके पास हैव हैबिट डबल मेम्ब्रेन ऑप्शन सी है आपके पास एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल्स आर फाउंड इन माइट्रोकोंडिया ऑप्शन डी है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स तो क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है इस जो स्टेटमेंट है आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल इसको सपोर्ट करने वाला जो स्टेटमेंट तो होगा माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस एटीपी क्योंकि जो करंसी ऑफ सेल होती है वो क्या होती है एटीपी होती है यानी कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने वाली करंसी का क्या होती है एटीपी और एटीपी के निर्माण के कारण ही माइक्रोकोंडिया को हम क्या कहते बोलते हैं पावर हाउस ऑफ दी सेल बोलते हैं तो ऑप्शन ए जो है माइक्रोकोंडिया सिंथेसिस ए इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन को बोलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन क्या दिया है कि दी एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉसफोराइलेशन इज क्वेश्चन नंबर सेवन क्या पूछा है कि जो ऑक्सीडेटिव फॉसफोराइलेशन है उसका एंड प्रोडक्ट यानी अंतिम उत्पाद क्या होता है ऑक्सीडेटिव फॉसफोराइलेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और लास्ट में ये ऑक्सीजन जो है मोलिकुलर ऑक्सीजन इसको एक्सेप्ट करती है और किस में कन्वर्ट करती है एच टू ओ में और ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसके द्वारा होता है ETS टी एच के द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है और लास्ट में इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला क्या होता है ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन किसका निर्माण करती है हाफ ऑक्सीजन और टू एच प्लस मिल किसका निर्माण करते हैं वाटर का और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमें ए टी बी भी प्राप्त होती है एडोनोसिन ट्राई फास्पेट यानी एटीपी का भी निर्माण होता है और जल का भी निर्माण होता है तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा डी ए टीपी प्लस एच टू तो क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट क्या है कि मैच दी फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दूस गिविन बिलो कॉलम फर्स्ट कोलम सेकेंड से हमको मैच करना है सबसे पहले लिख लेते हैं ए को मैच करना है बी को सी एंड डी को हमको मैच कर रहा है मोलिकुलर ऑक्सीजन मोलिकुलर ऑक्सीजन जो होती है ये अंत में हाइड्रोजन एक्सेप्टर होती है तो को किस किससे मैच हो जाएगा सेकंड वाले से किससे मैच होगा सेकंड वाले से ए मैच हो गया बी क्या दिया है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है साइटोक्रोम सी साइटोक्रोम से क्या होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है और पायरुवेट डी हाइड्रोजिनेस पायरुवेट डी कहाँ होता है एसिटाइल को एंजाइम जब पायरूबिक एसिड को एसिटाइल को एंजाइम और प्लस सीओ टू भी वहां पर बनती है उसमें कन्वर्ट किया जाता है तो वहां पर कौन सा एंजाइम कार्य करता है पायरुवेट डी डी क्या जाएगी डी कार्बोक्सीन डी कार्बोक्सीन किस समय हो जाएगा फर्स्ट वाले से एल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जब क्रेफ साइकिल होता है तो उसमें जो एल्फा ग्लूटेरिक एसिड जो है ये जो है ये कन्वर्ट होता है सक्सिनिक ये कन्वर्ट होता है सक्सिनिक को एंजाइम में किस में कन्वर्ट होता है को एंजाइम में ये कन्वर्ट होता है और इससे सी ओ टू बाहर निकलती है ये फाइव कार्बन का होता है और यहाँ से एक सी ओ टू बाहर निकलती है तो CO2 का बाहर निकालने का कहलाता है डी कार्बोक्सीसन कह है तो डी किस से मैच हो जाएगा फर्स्ट वाले से बी किस से मैच है थर्ड वाले से और सी किस से मैच है फोर्थ वाले से तो एस से मैच है सेकेंड वाले से ए सेकेंड किस में दिया है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में दिया हुआ है और बी किस से मैच है थर्ड वाले से बी थर्ड किस में दे रहा है ऑप्शन ए में तो क्वेश्चन नंबर एट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट का ये थे रेस्पायरेशन इन प्लांट के एन के आठ क्वेश्चन जो कि एन सी आर में दिए हुए हैं उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी और हमारे चैनल बायोमेंट बाइट को जरूर सब्सक्राइब करें